देखो मुझे लगता है ऑनरेबल हाई कोर्ट पर और ऑनरेबल पीएम पर हमें बहुत भरोसा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता ने क्या कहा, सीबीआई को दिया सबसे पहले, उसके बाद पुलिस ने कहा, वहाँ की सरकार ने कहा 7 दिन दो, उन्होंने कहा 1 घंटा भी नहीं दे सकते। जब 7,000 लोगों ने वहाँ वैंडलाइज किया और हमारे डॉक्टर्स को रात में वहाँ पर दर्द और दुख हुआ, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप सरकार सो रही थी क्या, दिल्ली वहाँ के पुलिस कमिश्नर को बुलाया। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में जा रहा है, लेकिन अभी ये जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में और सीबीआई जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि ये गैंग रेप है। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, गैंग रेप है, इसमें 1 से ज़्यादा लोग हैं। हमारी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि उनमें जो अपराधी हैं वो शायद देश छोड़कर ही भाग गए हैं। ये मैं आपके चैनल पर एक ऑथेंटिक एक अपनी जिम्मेदारी समझकर बोल रहा हूँ। तो और दूसरा, इसने महिला सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर ला दिया। ये महिला डॉक्टर के सुरक्षा की बात नहीं, हर महिला के वर्क प्लेस में सुरक्षा की बात है। उसको बेहतर वर्किंग कंडीशन हो, उसको ट्रांसफ़र हो, उसको जहाँ पर एक दूसरे से रात में जाना है तो उसके लिए कोई सुविधा हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एयरपोर्ट की तरह लागू हो, ये IMA का कहना है। और एक सेंट्रल एक्ट आए तो मुझे लगता है मोदी जी ने जो 15 अगस्त को कहा कि यहाँ पर हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी महिला सुरक्षा की बात है उसको देखें, महिला के खिलाफ अपराध की बात है उसमें जो भी हेनस क्राइम्स में उसमें जो भी पनिशमेंट है वो दें। हमारी मांग है कि ऐसे अपराधियों को जो गैंग रेप करते हैं उनको फांसी की सज़ा मिले। इसका असर लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में भी, दिल्ली के अस्पतालों में है। देखिए हमने आज की डेट OPD बंद है और किसी को कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। वुमन की सेफ्टी को एक क्वेश्चन है और वो उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे दुर्गा को हम देवी कहते हैं, हम हर माँ को बहन जो भी है हमारी उनको हम कहते हैं मातृशक्ति कहते हैं। आज उनके साथ ये हादसा हुआ है और उस जगह पे जहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद में भी एक महिला है, बहुत ही शर्मनाक है ये चीज़, बहुत ही दुखद है। और हम चाहते हैं कि जो इसके गुनहगार है उसको छुपाया ना जाए, सामने लाया जाए और उनको हमें पूरा का पूरा न्याय मिले, उनको फांसी की सजा दी जाए, उससे कम में नहीं होना चाहिए ये। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग आज 24 घंटे की वो करी है हड़ताल, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे इनडेफिनेट अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम बच्ची के लिए, महिला के लिए, डॉक्टर के लिए न्याय लेके रहेंगे। हम इस समाज में अगर 78 हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और उस पे भी अगर महिलाओं को न्याय नहीं है, डॉक्टर्स को न्याय नहीं है और आपकी जो सबकी जान बचाने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं है, तो उस देश का इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता देश का क्या मतलब उस देश। बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे बेटों को भी पढ़ने की जरूरत है कि औरत सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। बेटियों की सुरक्षा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ लेकिन उनको बचाओ भी, मेरा यही कहना है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।